पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराध की योजना बनाता एक गिरोह। नो स्कूल नो फीस के नारे के साथ अभिभावकों ने किया साइलेंट प्रोटेस्ट। धनबाद में स्वस्थ हुए 14 कोरोना मरीज। नमस्कार, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज चर्चा करेंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर आयोजित कैंप की, विस्थापितों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कोरोना पर आज अमित शाह के द्वारा की गई सर्वदलीय बैठक में दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुंबई में आज से जरूरी सेवाओं के लिए शुरू हुई लोकल ट्रेन। अभिनेता सुशांत सिंह के शव की फोटो शेयर करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर होगी टेस्टिंग। अब चलते हैं बोकारो। अपराध की योजना बना रहे एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा बोकारो पुलिस ने किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर SIT में चोरी किए गए सामानों को भी बरामद किया गया। पूरा मामला क्या है, जानते हैं चास के SDPO से। चोरी हो रहे थे, रोबरी हो रहे थे, उसी संबंध में पुलिस के हमारी किया गया। इसी दौरान 13-14 को बहुत सुंदर तालाब के पास से लोग पकड़े गए। इन लोग से पूछताछ किया गया तो इन्होंने चास थाना के 3 बर्गलरी केस, चास मुफस्सिल थाना का 3 बर्गलरी केस और 1 चास थाना का रोबरी केस को स्वीकार किया, जिसमें चास थाने के कांड संख्या 44, कांड संख्या 115 और कांड संख्या 116 में सामान की बरामदगी हुई है। बरामदगी में एक्साइज बैटरी, इन्वर्टर, नाइट्रेट, डीजल की थाली, 4 पीस म्यूजिक सिस्टम, सैमसंग मॉनिटर, एम्पलीफायर, चांदी जैसा सिक्का 3, ये 44 का है। 115 कांड में बरामद हुआ है सोने का टुकड़ा 2 पीस, चांदी का पायल बिछिया 4 पीस। 116 कांड में हुआ है ये कटर एवं ड्रिल मशीन। कई लोग गिरफ्तार हुए? 6 लोग। कौन कहाँ से हैं ये लोग? ये लोग 6 लोग हैं, जो अधिकतर एक हनुमान सिंह है, महेंद्र राय, विशाल, कुलदीप, ये बलसुंदरा के ही हैं, अरुण सिंह, जलेश्वर सिंह डेमोडी के हैं, कुलदीप महतो, विशाल महतो और महावीर सक्रिय अपराधी लोग, कुछ लोगों का अपराधी क्या कैसे करते थे लोग चोरी पर? चोरी जो नहीं है, चोरी करते थे, जो घर नहीं रहता था उसको छोड़ कर खेल जाते थे, पूरा सामान गायब कर देते थे। उसके अलावा कहीं मौका मिला तो जबरदस्ती चाकू छुरी दिखा करके पैसा भी ले लेते थे। तो ये लोग घर को चिन्हित कैसे करते थे कि नहीं रह रहा है? अपना घूमते रहते थे दिन में, कौन घर नहीं रह रहा सब, यहाँ पर मौका मिलता था जिसके जाते थे। और कितने लोग गिरोह है लोग? और अभी दो 3 और हैं जो मतलब छापामारी चल रही है। विस्थापितों की बहाली की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने सेक्टर 4 अंबेडकर चौक पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विस्थापित संघर्ष मोर्चा करे पुकार, मैनेजमेंट हाउस में आओ, जब तक भूखा इंसान रहेगा। इस धरना के माध्यम से मैनेजमेंट से यह मांग है कि 120,000 विस्थापितों की बहाली करो और जो खाली ज़मीन है अतिक्रमण मुक्त करके विस्थापितों को वापस करो, वो सारे लोगों को यहाँ नौकरी दो और 100% दो। 1 सप्ताह के अंदर यदि इन मांगों को पर प्रबंधन की सकारात्मक पहल नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो विस्थापित संघर्ष मोर्चा झारखंड नव निर्माण सेना 30 जुलाई को प्रशासनिक भवन पर 69 आदमी की सामूहिक आत्मदाह कार्यक्रम हम करने के लिए विवश होंगे। बोकारो के तमाम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने कथित तौर पर मनमाने ढंग से स्कूल के द्वारा फीस मांगे जाने पर रविवार को बोकारो के गांधी चौक के पास साइलेंट प्रोटेस्ट के तहत आंदोलन किया। हमने बात की वहाँ मौजूद अभिभावकों से और जाना उनकी मांग क्या है। स्कूल अभिभावक संघ का हम लोग सारे सदस्यगण यहाँ गांधी चौक पर हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग आज साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी स्कूलों के लिए। नो स्कूल नो फीस, नो वैक्सीन नो स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस का विरोध है। सारे अभिभावकगण अपने मानसिक
संतुलन खोने की स्थिति में है। किसी के घर में मोबाइल नहीं है, किसी के बच्चे का आँख में दर्द हो जा रहा है। इसी को लेकर हम लोग आज साइलेंट प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी चौक पर बोकारो में उपस्थित हैं कि हम लोगों का दुख दर्द स्कूल प्रबंधन समझे और झारखंड सरकार समझे कि अभिभावक और मध्यम क्लास, हम सारे अभिभावक मध्यम क्लास में आते हैं, वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यह लॉकडाउन की पीरियड में सभी का कारोबार बंद, जो नौकरी पेशा में है उनका वेतन का कटौती, उसके बाद भी अमानवीय व्यवहार, इसको कहा जाए अमानवीय व्यवहार, स्कूल प्रबंधन जो शिक्षा का केंद्र है वो हम अभिभावकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। किसी प्रबंधन के साथ, किसी संस्था के साथ सरकार दबाव में आ गई है, तो आम जनता, आम अभिभावक के साथ रहना चाहिए। क्योंकि तीन महीने से पहले शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि ट्यूशन फी लॉकडाउन की अवधि का माफ होगा, उस तीन महीने में, और शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि अब ट्यूशन फीस लगेगा, बस फीस माफ होगा। तो ये क्या है, बस फीस कितना चार्ज है, बस ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, मैंने पूरे घर का चार्ज, जो लॉकडाउन की अवधि में पूरे भारत में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि नो स्कूल नो फीस। धनबाद सांसद पीएन सिंह से एक प्रेस वार्ता में फीस के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके बाल बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको फीस स्कूल बंद होने के बाद भी, पहले किताब में राजनीति हुई, जब तक एडमिशन नहीं, फीस नहीं, तब तक किताब नहीं। अगर नियत है झारखंड सरकार को, तो जो फीस है वह राज्य सरकार दे, क्योंकि विद्यालय को भी लॉकडाउन पीरियड में बिना स्कूल चलाए हुए अपने शिक्षकों का तलब तनख्वाह तो देना होगा। अगर यह चाहती है सरकार या चाहते हैं मंत्री, तो निजी विद्यालयों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके फीस को राज्य सरकार, आप भी सोचेंगे कि नई बात है, नई बात नहीं है। यह हमने भी प्रयोग किया था, कहा था कि एमए तक हम छात्रा को निःशुल्क पढ़ाएंगे, तो निःशुल्क का मतलब कि कॉलेज निःशुल्क नहीं पढ़ाए, उसका जो शुल्क है राज्य सरकार, यह कानून हमने पास किया था। और इसलिए अगर सच में नियत है कि प्राइवेट स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के, उनके अभिभावक की मदद करना है, तो उस राशि का भुगतान राज्य सरकार। रक्त के कारण किसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, यह कहते हुए बोकारो के रक्तदान योद्धाओं ने रविवार को रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड डोनेट किया। मौका था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का। विश्व रक्तदान दिवस पे आज जो कैंप का आयोजन किया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी में, न गरीबी देखते हैं न अमीरी देखते हैं, हम रक्तदानी हैं, हम जरूरतमंद को देखते हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और रक्तवीरों के अंदर इतना जुनून है कि 11:30 बजे से हमने समय दिया था, 11 बजे से ही रक्तदान शुरू हो चुका है। ऐसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जब आगाज ऐसा है तो आगे कैसा होगा हमारा। न जगह, न मौसम, न जात देखा करते हैं, हम रक्तदानी हैं, बस हालात देखा करते हैं। जब जरूरत होती है किसी को रक्त की, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं सेवा करने के लिए, रक्तदान करने के लिए। ये मेरा 35वां रक्तदान है, और मैं पूरे शहरवासियों से और देशवासियों से अपील करता हूँ कि रक्त के वजह से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमें बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए। और तंदुरुस्ती का राज भी यही है, हम जितना रक्तदान करते हैं हमारी सेहत उतनी अच्छी रहती है, इसीलिए दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए रक्तदान हमें करना है। लॉकडाउन अब अनलॉक हो रहा है, दुकानें खुल रही हैं, पर क्या दुकानदारी चल रही है, यह जानने हमारे संवाददाता आज पहुंचे स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले मार्केट में। आज हम बात करेंगे ऑटो पार्ट्स की दुकानें, स्पेयर की दुकानें, जहां गाड़ियों का सामान मिलता है, इन लोगों से जानेंगे और इनके हाल के बारे में जानेंगे। खुलने के बाद तो एक तो फुटफॉल थोड़ा सा कम है कस्टमर्स का, स्टाफ का समस्या बहुत ज़्यादा है, स्टाफ एक कम आता भी है और काम नहीं हो पा रहा, कोई बेनिफिट लेके नहीं जा रहे हैं, बस गुजारा हो रहा है। अभी 20% कस्टमर आ रही है, 80% कम हो गया। दूसरा बात है कि मुंबई दिल्ली में जो प्रोडक्शन बंद है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, माल पहुंचता है लेकिन बहुत लेट से पहुंचता है और किराया भी ज़्यादा लग जाता है। एक सप्ताह में मेरा पहुंच जाता था लेकिन अभी 15 से 20 दिन लग जाता है। इस कोरोना काल में कुछ युवा संगठन लगातार बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। रविवार को बीएसएल कर्मी युवाओं ने माराफारी के निर्मल गांधी ग्राम के सैकड़ों कुष्ठ पीड़ितों को
दही चूड़ा और आम खिलाया। एक्चुअली अभी पूरा देश कोरोना वायरस से गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में हम लोगों ने बस एक छोटी सी मुहिम शुरू की है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो भूखे ना रहें, तो हम लोग सबको एकजुट होकर अपने पैसों से जो हो सका संभव हम लोगों ने कुछ लोगों को यहाँ पर हम लोग पहले भी दान करते हैं, जैसे हम लोगों ने खाना खिलाया, छोटा सा इस कारवां को शुरू किया, एक पहले थे हम लोग फिर दो हुए, सफ़र जैसे जैसे बढ़ता गया लोग जुड़ते गए और ये आज इतना बड़ा सफ़र हो गया कि बहुत खुशी मिलती है जब लोग आशीर्वाद देकर जाते हैं कि बेटा खुश रहो। जैसे अभी तक हम लोगों ने राशन के पैकेट भी दिए और आज जैसे हम लोगों ने चूड़ा दही आम और चीनी का भोजन कराया लोगों को सुबह के नाश्ते के रूप में। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद की खबरों में शुरुआत एक अच्छी खबर से। धनबाद के कोविड 19 अस्पताल से कोरोना को हराकर 14 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। स्वस्थ होने वाले लोगों में एक महिला भी शामिल थी। धनबाद में अब तक 109 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। पॉजिटिव केस नहीं छूटे ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। जो भी पेंडिंग केस था सब नेगेटिव आ चुका, मतलब जो भी होगा, जो करंट जो भी होगा उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। और अभी प्रेजेंट संख्या कोविड हॉस्पिटल में कितने हैं? अभी 0 है। धनबाद जिला में कोविड अस्पताल में एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। अब हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि कोविड खत्म हो गया धनबाद में, ये निरंतर खतरा बना हुआ है और प्रत्येक नागरिक को जो जरूरी नियम है उसकी पालन करें। कतरास के नगर निगम के अंचल अधिकारियों ने अभियान चलाकर कतरास शहर में गंदगी फैलाने वाले आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों से जुर्माना वसूला। एक नज़र मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। झुलसती गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, ठंडी हवाएं बह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन तक यूं ही रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को भेजा जेल, ठगी के आरोप में किया गिरफ्तार। जरीडी थाना क्षेत्र के जाना मोड़ चास रोड में बीती रात चोरों ने पूनम बैटरी सेंटर से नकदी समेत 2,00,000 की संपत्ति चुरा ली। जरीडी थाना के पुलिस चोरों की छानबीन कर रही है। बेरमो SDO नीतीश कुमार ने कहा कि कारो परियोजना के विस्थापितों को मिलेगा जायज अधिकार। विस्थापितों के लिए एक सप्ताह के अंदर प्रबंधन की ओर से पुनर्वास की दिशा में पहल की जाएगी। चंद्रपुरा के रंगमंच कलाकारों ने बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जताया। कसमार के पुन्नी बगियारी निवासी श्यामल कुमार झा को गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने ग्रामीण कार्य प्रमंडल बोकारो का प्रखंड प्रतिनिधि मनोनीत किया। गोमिया में CCL कथारा क्षेत्र अंतर्गत हजारी मोड़ के समीप स्थित आवासीय कॉलोनी ए और बी टाइप कॉलोनी की महिलाओं ने बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर स्वागवाश्री POS पाल का घेराव किया। पेटरवार प्रखंड की सदमा कला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय क्वारंटीन में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से आए 23 प्रवासी मजदूरों का लैब टेक्नीशियन टीम ने कोरोना के जांच के लिए सैंपल लिया। चंदन क्यारी में 8 कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्वारंटीन सेंटर CHC चंदन क्यारी में संक्रमित प्रवासी के साथ रहने वाले सभी 7 लोगों की कोरोना जांच नेगेटिव आई। इसके साथ ही जिसने संक्रमित का बैग घर पहुंचाया था उसका भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया है। बेरमो के मानव सेवा माधव सेवा मंच ने करगली में मानसून के आगमन के अवसर पर पौधारोपण किया। पेटरवार के बुंडू पैक्स में 27 क्विंटल धान बीज का वितरण 150 कृषकों के बीच किया गया। यह वितरण NHC कंपनी के द्वारा सदमा कला के मुखिया पंकज सिन्हा की मौजूदगी में किया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहे thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।